तो हे गाइज, कैसे आप सब लोग। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बजाज की पल्सर 180F और पल्सर 220F, दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों बाइक्स का लुक सेम है तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए, और पावर में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस मेरे को नहीं लग रहा। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। तो वही बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक आपके लिए बनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ लुकवाइज दोनों बाइक्स दिखने में सेम है, कलर भी आपको लगभग सेम मिल जाते हैं, लेकिन 180F में आपको नियॉन कलर मिलते हैं, लेकिन आपको 220F में नियॉन कलर नहीं मिलते। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों बाइक्स का। बात कर लें इनके इंजन वगैरह, तो इंजन आपको 180F में 178 cc का इंजन मिलता है, एंड आपको पल्सर 220F में 220 cc का इंजन मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है दोनों ही बाइक्स में। तो बात कर लें इनकी पावर की, तो पावर आपको 180F में 17.2 bhp की पावर मिलती है, एंड पल्सर 220F में आपको 20.93 bhp की पावर मिलती है, जो कि सेम rpm पे मिलती है आपको दोनों ही बाइक्स में। 8500 rpm पे पावर मिलती है ये। और बात कर लें इनके टॉर्क की, तो टॉर्क आपको 180F में शायद थोड़ा कम मिलता है, 14.2 न्यूटन मीटर का, और आपको पल्सर 220F में 19 न्यूटन मीटर का मिलता है, जो कि आपको सीधा सीधा मतलब पता लग गया वो कि पिकअप किस में फालतू होने वाला है। तो पिकअप आपको पल्सर 220 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें पिकअप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन 180F में भी कुछ कम नहीं है, उसमें भी काफ़ी अच्छा पिकअप है। तो बात कर ली इसकी माइलेज वगैरह की, तो माइलेज आपको पल्सर 180F में 40-45 मिलती है। बताते हैं तो कंपनी 45 है, लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूँ जो पल्सर 180F में आपको माइलेज मिलेगी, मतलब रियल माइलेज जो आपको मिलेगी वो आपको 40 तक ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली, जो कि कंपनी क्लेम करती है 45 का, लेकिन इतना नहीं मिलेगा आपको माइलेज। पल्सर 220F में आपको कंपनी क्लेम करती है 40 की माइलेज, जो कि हाईवे पे मिल जाती है आपको, कोई बड़ी बात नहीं, हाईवे पे इजीली मिल जाती है, लेकिन सिटी में आपको वही 30-35 मिलती है, मतलब 35 आपको सिटी में मिलती है पल्सर 220F में। और बात करें दोनों बाइक्स की टॉप सीट, तो टॉप सीट आपको पल्सर 180F में 135-140 तक इजीली मिल जाएगी टॉप सीट, लेकिन पल्सर 220 में आपको 145-150 तक इजीली मिल जाती है। तो ये बात करते हैं बाइक के वेट की, तो वेट आपको दोनों बाइक्स में लगभग सेम मिल जाते हैं, सिर्फ 2-3 kg का वेट का फ़र्क है। 180F में आपको 147 kg वेट मिलता है, लेकिन पल्सर 220F में आपको 150 kg का वेट मिलता है। बात करें दोनों बाइक के स्पीड गियर्स की, तो स्पीड गियर्स आपको सेम मिलते हैं, 5 स्पीड गियर्स मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में आपको। और बात कर ले दोनों बाइक्स की हेडलाइट, तो हेडलाइट बिल्कुल सेम है, एक हेलोजन मिलता है आपको, एक आपको प्रोजेक्ट, ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके एरिया में, कम भी हो इससे ज़्यादा भी हो, वो आप चेक कर सकते हैं अपनी डीलरशिप में जाके चेक कर सकते हैं। और बात कर ले पल्सर 220F के प्राइस का, तो वो है हमारे गुड़गांव में है 1,16,000 रुपये, इसका ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में 1,16,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में। और बात कर ले भी बाइक कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी बाइक पैसा वसूल बाइक है, तो चलिए उसी के बारे में अभी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले आप एरिया में आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके एरिया में, कम भी हो इससे ज़्यादा भी हो, वो आप चेक कर सकते हैं अपनी डीलरशिप में जाके चेक कर सकते हैं। और बात कर ले पल्सर 220F के प्राइस का, तो वो है हमारे गुड़गांव में है 1,16,000 रुपये, इसका ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में 1,16,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में। और बात कर ले भी बाइक कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी बाइक पैसा वसूल बाइक है, तो चलिए उसी के बारे में अभी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको बाइक में क्या चाहिए, लुक चाहिए, या फिर आपको माइलेज चाहिए, या फिर आपको टॉप स्पीड चाहिए, या फिर आपको पावर चाहिए, या फिर क्या चाहिए, वो सब कुछ आपको समझना होगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना। तो पहले एक मिनट ब्रेक लेके आप चेक कर लो आपको क्या चाहिए बाइक में, मतलब क्या आपको ज़्यादा चाहिए, तो उसी बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं 180F की बात करूँ, यदि आपको अच्छी खासी माइलेज चाहिए, लुक चाहिए 220 का, तो 220 का लुक आपको इसमें मिलता है, सिर्फ एक डिफरेंस है एग्जॉस्ट, यदि एग्जॉस्ट भी सेम हो जाता 220F वाला, तो कोई नहीं बता पाता कि बाइक में मतलब क्या डिफरेंस है 220F और 180F में, किसी को पता नहीं चलता कि 220 है या 180 है। यदि किसी को लुक चाहिए, माइलेज भी चाहिए, और अच्छी खासी टॉप स्पीड भी चाहिए, और पावर भी ठीक ठाक चाहिए, पिकअप वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, तो 180F लो, क्योंकि इसमें आपको प्राइस भी ज़्यादा नहीं है बाइक का, सिर्फ 1,03,000 रुपये, जो कि आपके RTR 160 ABS जो अभी नया मॉडल आया उसका भी इतना ही है,
तो आप देख सकते हैं बाइक का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 180F का बिल्कुल भी ज़्यादा प्राइस नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 180F ले, 220F ना लेके, क्योंकि 220F में आपको 13,000 रुपीज़ मोर पे करने पड़ेंगे। क्योंकि उसमें आपको क्या मिलता है, सिर्फ एक डिफरेंस है, आपको उसमें थोड़ी हैवी, मतलब दिखने में बाइक थोड़ी हैवी लगती है 220F, एंड उसमें आपको थोड़ी पावर भी ज़्यादा मिल जाती है, पिकअप भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इंडियन रोड्स पे कुछ काम की नहीं है ये पावर और जो टॉर्क है ये कुछ काम का नहीं है। क्योंकि एक रिस्की मामला हो जाता है यदि आप ज़्यादा हाई स्पीड में बाइक चलाते हैं, तो हाईवे के लिए ठीक है लेकिन आप सिटी में राइड नहीं कर सकते हाई स्पीड वगैरह में, और सिटी में आपको माइलेज भी नहीं मिलेगी। तो यदि आपको माइलेज चाहिए हाईवे पे भी, हाईवे पे आपको 45 की इजीली दे देती है पल्सर 180F, दे देगी इजीली, इसका माइलेज टेस्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। पल्सर 180F का मैंने बता दिया आपको किसको लेनी चाहिए 180F, और यदि पल्सर 220F कोई लेने का प्लान कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ पल्सर 220F और 180F में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है 220F में। यदि किसी को पैसा वसूल बाइक चाहिए तो वो 180F लो, क्योंकि उसमें आपको लुक भी मिल जाता है 220F वाला, और पावर भी अच्छी खासी मिल जाती है, उसी के साथ आपको टॉप स्पीड माइलेज सब कुछ अच्छा मिल जाता है। 135 टू 140 टॉप स्पीड कम नहीं होती, इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड है ये, शायद इतनी स्पीड में यदि आप इंडियन रोड्स पे चलाते हैं तो शायद वो एक रिस्की मामला हो जाता है। तो यदि आपको एक पैसा वसूल बाइक चाहिए तो 180F मैं रिकमेंड करूँगा। 220F भी अच्छी बाइक है, यदि किसी के पास ज़्यादा बजट है थोड़ा तो 220F ले सकता है, काफ़ी अच्छी बाइक है। 220F में आपको ज़्यादा टॉप स्पीड मिल जाएगी लेकिन माइलेज आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाली, सिर्फ 35 की माइलेज मिलेगी आपको सिटी में, और सिटी में शायद सिटी में दोनों ही बाइक्स अच्छी है, दोनों ही बाइक्स की कंट्रोलिंग अच्छी है सिटी में। लेकिन यदि किसी को ज़्यादा हैवी बाइक पसंद नहीं है तो वो 180F ले सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा वेट भी नहीं मिलता, 147 kg का वेट मिलता है, तो वेट भी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे तो हल्की है 180F, इससे तो कम ही वेट है 220F से, और वैसे भी देखने में पल्सर 220F थोड़ी हैवी बाइक लगती है लेकिन 180F ज़्यादा हैवी नहीं लगती, क्योंकि उसमें आपको एक फेयरिंग अलग से फेयरिंग दी गई है, उसके अलावा 220 का कुछ भी नहीं दिया गया उसमें। तो बाइक दोनों ही अच्छी है, यदि फिर भी किसी के कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर लेना। तो मैं रिकमेंड करूँगा पल्सर 180F, क्योंकि फुल पैसा वसूल बाइक है यार, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, अच्छी माइलेज मिलती है, अच्छी टॉप स्पीड मिलती है, ठीक है, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है बाइक का, पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है, और इंजन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 178 cc का काफ़ी अच्छा इंजन है, फुल फेयरिंग बाइक नहीं है, हाफ फेयरिंग बाइक है, जो कि काफ़ी अच्छी है, टॉप स्पीड वगैरह इजीली आपको अच्छी दे देगी। और हाँ, पल्सर 220F में आपको ABS मिल जाता है, लेकिन जल्दी आपको पल्सर 180F में भी ABS देखने को मिल जाएगा, लगभग एक महीने के अंदर आपको 180F में भी ABS देखने को मिल जाएगा, जो कि सिंगल चैनल ABS होने वाला है, बिल्कुल 220F वाला ही ABS मिलेगा आपको, जैसे कि 150 में मिलता है आपको पल्सर 150 में ABS जो आया अभी, पीछे सेंसर मिलेगा आपको ABS वाला वही, तो लगभग सेम वैसा ही आपको ABS देखने को मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड 180F को करूँगा, लेकिन फिर भी किसी कुछ डाउट्स है, यदि कोई क्वेरी आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करूँगा। तो बस यही था कुछ आज के इस वीडियो में, तो और मैं बता दूँ आपको पल्सर 220F में आपको पावर मिलती है ज़्यादा, लेकिन उसमें आपको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलती, उसी के साथ साथ बाइक का प्राइस भी हाई हो जाता है 1.16 lakhs, जो कि 13,000 रुपीज़ ज़्यादा है 180F से। तो बस यही था मेरा तो कुछ ओपिनियन कि पल्सर 180F लो यदि किसी को पैसा वसूल बाइक चाहिए, मतलब ज़्यादा रेसिंग वगैरह नहीं चाहिए, ज़्यादा रेसिंग वगैरह मतलब ज़्यादा हाई रेसिंग 140 इजीली मतलब जाती है बाइक, 140 स्पीड कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है 180F के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है 180F, काफ़ी अच्छी स्पीड है 180F के लिए, 140 काफ़ी अच्छी स्पीड है, 140 आपकी जो अपाचे 204 भी है वो जाती है 140 to 142, तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। तो 180F काफ़ी अच्छी बाइक है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, और कलर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो पल्सर 220F में मेरे को क्या चीज़ बेकार लगती है, वो मेरे को बेकार लगती है इसकी माइलेज, 2 साल तक आपको अच्छी माइलेज देगी, लेकिन उसके बाद आपको 30 की माइलेज देगी, लास्ट 30 की माइलेज, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं देने वाली। और पल्सर 180F में भी है ही कुछ ऐसा, बट उसमें आपको फिर भी 35 टू 40 इजीली माइलेज मिल जाएगी, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि पल्सर 180F लें, जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। तो यही था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।